अब हम लोग देखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग का फॉर्मूला क्या आया था, सेक्शन फॉर्मूला। देखो ये पॉइंट कोई पॉइंट है मानो x1 कॉमा y1, ये कोई पॉइंट है मानो इसका कोऑर्डिनेट से x2 कॉमा y2, ये मान लो a है, ये b है, कोई पॉइंट p है जो ab को m is to n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m is to n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो यहां पे हम लोग का क्या आ गया, ap by pb कितना है, m by n। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग को इस p का कोऑर्डिनेट निकालना है, इस p का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम लोग का इस p का कोऑर्डिनेट क्या आता है, x क्या आ जाएगा, m x2 plus n x1 divided by m plus n, और हम लोग का y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, m y2 plus n y1 divided by m plus n। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, समझो अगर ये वाला पॉइंट AB के सेंटर में आ गया, तो देखो ये वाला पॉइंट जो P है वो AB के सेंटर में आ गया, AB के सेंटर में आ गया। अब एक चीज समझना, ठीक है, अब एक चीज समझ जा ध्यान से। तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि AP बाई PB का रेशियो क्या होगा, AP बाई PB का रेशियो क्या होगा, क्या होगा, 1:1 होगा, 1:1। कैसे, समझो अगर मान लो पी ए बी का सेंटर में, मानो ये कोई लाइन है जिसका 10 लेंथ है, तो ये भी क्या होना चाहिए 10, ये बराबर ये है ना। अगर मानो ये 20 है तो ये भी क्या होना चाहिए 20, कोई मान लिया ये 1000 है तो ये भी क्या होगा 1000। तो तुम अगर जितना बार भी रेशियो लेगा 10 बाई 10 किए तो कितना आएगा 1:1, अगर तुम 20 बाई 20 भी करेगा तो क्या आएगा 1:1, और तुम अगर 1000 बाई 1000 भी करेगा तो रेशियो क्या आएगा 1:1। तुम समझ आ रहा है, हम लोग का जो रेशियो है वो कितना आएगा 1:1, समझ आया। सो अब अगर हम m, हम लोग को m is to n पता चल चुका है, m is to n कितना है 1:1, तो अगर 1:1 को इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे तो देखो क्या आएगा, देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m का जगह 1 और n का जगह 1, तो x2 बन गया प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। सबको समझ आ गया अच्छा से। सो ये होता है हम लोग का मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के सेंटर में होता है सो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 बाई 2। ठीक है, चलो।